हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विशाल पवार। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करते अच्छे होंगे, घर पर होंगे। तो गाइस, फिर से आज मैं आपके बीच में एक और नई वीडियो लाया हूँ। तो यार, वीडियो लाने का मन नहीं था मेरा, जो पहला चैनल था वो पता नहीं क्या हो गया उस पर, वो चल नहीं रहा है। अब मैंने दूसरा चैनल बनाया है विशाल पवार नाम से, वो भी। तो गाइस, मुझे बहुत दुख है उस चैनल का, मैंने बहुत वीडियो डाल रखी थी उस पर। तो गाइस, क्या करें अब भाई, रोना तो आता ही है यार। तो बहुत दुख की भरी घटना यार, मेरा पहला चैनल है जो चल नहीं रहा है, पता नहीं किस कारण से, क्या दिक्कत है उसमें भाई। बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा प्यार दिखाया आप लोगों ने उस पर, मतलब सही चल गया था वो चैनल, अच्छे से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये मेरा पहला चैनल था, इस पर मैं पहले शॉर्ट्स वीडियो डालता था, अब मैं लाया हूँ इस पर लॉन्गी वीडियो। मतलब बस आपकी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बस 4-5 मिनट की वीडियो बनाऊँगा जो कि भाई आप सभी लोग देख सकते। तो भाई चलते हैं वीडियो की ओर, लेकर चलते हैं, हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आज मैं बताऊँ वीडियो में क्या दिखाऊंगा। वीडियो में भाई मेरे खेत थे, जो मैंने बताया था आपको पवार फार्म, वो भाई मेरे एक किला तो कति ऐसे हो गया भाई, कति नथिंग, ख़त्म हो गया है। और मैं आपको दिखाऊंगा उसमें मैंने क्या क्या डाल दिया है, क्या नहीं डाला है। चलो मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ वीडियो बस, क्योंकि थोड़ी लंबी हो जाएगी और वीडियो में छोटी बनाने के चक्कर में हूँ। चलो तो मैं चलता हूँ, वीडियो को लेकर चलते हैं, आ जाओ भाई। तो भाई देख लो, हम चल दिए हैं अपने खेतों पर। तो अब हम रास्ते में हैं, ये भी भाई गेहूँ है, ये थोड़ी भूरी मिट्टी है इसलिए ये थोड़े अच्छे से है, देख लो आप, मिट्टी भूरी है। और ये भाई अच्छे से है, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा वीडियो में, हमारा मतलब जो ये होता है ना खेतों का, कैसी कैसी मिट्टी होती है, ये सब दिखाऊंगा। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करूंगा, बस छोटी वीडियो बनाऊंगा, बस 5-6 मिनट की ही, जिससे आप वीडियो को पूरी देखें और बिना स्किप के वीडियो देखें। तो चलो हम चल रहे हैं, रास्ते में है, आपको दिख रहे हैं हम रास्ते में हैं। तो भाई चल रहे हैं, ये आगे गन्ने, और ये देख लो कैसा हो गया ये खेत, ये कति गल गया भाई बीच बीच से, देख लो। और ये है गन्ने, जिनसे हमारी गुड़, चीनी, शक्कर इत्यादि बनते हैं भाई। मतलब गन्ने से बहुत ही मतलब बीमारियों में भी काम आता है गन्ना। और भाई आपको वो दिख रहा है पानी, वो भरा बड़ा भाई पूरा जंगल में, मतलब बिल्कुल ही खेतों में दिखाऊँ, यहाँ पे भी देख लो पानी है खेतों में, ये देख लो भाई पानी भरा पड़ा है इनमें। भाई हम आपको दिखाएंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं हम वीडियो को लेकर आपके साथ है। भाई आपका प्यार बना रहेगा तो आप डेली वीडियो आई करेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत ही मज़ेदार मज़ेदार वीडियो आएंगी भाई। मैं आपका प्यार चाहिए बस थोड़ा सा ना, जिससे कि चलो भाई आ गए हम अपने खेतों के पास ही है। बस ये देख लो पानी दिख रहा है आपको, और ये रास्ते में भी पानी भर रहा है। हम बस एक छोटी सी मैंड सी है, मतलब खेतों में बना देते हैं ना वो, उस पे से निकल के जाएंगे और आगे खेतों पे। भाई हमारे बाइक वगैरह कुछ भी नहीं जाती, बाइक भी यहीं पर खड़ी करते हैं। अभी दो भाई और आए थे मेरे, उन्होंने भी यहीं पे बाइक खड़ी कर दिया है। चलो तो हम वीडियो दिखाएंगे आपको, दिक्कत मत लो। चल रहे हैं हम, ये देख लो भाई चारों तरफ पानी पानी। अब ये जो ये आ गया है ना, ये खेत यहाँ पे, ये जंगल आया है, ये भाई बहुत अलग तरीका का मतलब भूमि है यहाँ की, ये मतलब चिकनी जिससे कहते हैं डहर, वो है। देख लो ये भाइयों ने मोटरसाइकिल खड़ी कर रखी है यहाँ पे, आगे तो बाइक जाती नहीं है। अब देख लो यार, ये छोटा सा मैंड है, इस पे से मैं निकल के जाऊंगा, दिख रहे हैं ना आपको, ये छोटी सी मैंड है बिल्कुल, इस पे से जाऊंगा मैं निकल के। देख लो पानी पानी है भाई। तो भाई एक बार मैं आपको और जो भाई है हमारे उनके खेतों को और दिखा दूं, ये देख लो भाई कतिन गले पड़े ये यार,
क्या बताऊं भाई, मैं अब की बार तो भगवान ने ना बिल्कुल ही कति मट्टी में मिला दिया भाई सब कुछ ही, कुछ भी नहीं छोड़ा भाई कुछ भी। देख लो ये थोड़ा यहाँ पे थोड़ा रास्ता ऊंचा था इसलिए यहाँ पे पानी नहीं आ गया, आपको दिख रहा है फिर से पानी भरा भरा है भाई। देख लो आप यार, क्या बताए क्या ही कर सकता हूँ मैं भाई, कुछ नहीं भाई। हम लोग तो इसमें बस मेहनत ही तो कर सकते हैं, बाकी जो आगे का काम है वो तो भाई अपने या तो धरती करेगी अपना या फिर अपने भगवान राम जी करेंगे, जो कहते हैं ना कि राम की माया है। ये देख लो भाई, इसमें गेहूं बोए थे कुछ भी नहीं हुआ, दिख रहा है आपको, देखो छोटे छोटे कहीं कहीं पे है भाई, देख लो भाई कहीं कहीं पे है। अब चलते हैं भाई इधर अपने खेतों पर, देख लो भाई ये भी यार बिल्कुल गले पड़े हैं। मैं अपना खेत और दिखाऊंगा जो अपने पवार फार्म है उस पर चलते हैं और दिखाएंगे हम अपने चारों खेतों को कैसा क्या सीन है उनका क्या नहीं है भाई, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो भाई वीडियो को पूरा देखना, वैसे तो मैं छोटी बनाने के ने की सोच रहा हूँ बिल्कुल, मतलब कि भाई पहली वीडियो छोटी बन जाए कोई दिक्कत नहीं है बस। देख लो भाई कति गला पड़े है खेत नाव के बाहर, ये भाई देख लो आगे खाद वगैरह फिक रहा है, मैं इनको भी दिखाऊंगा आपको, ये हमारे भाई है जो खातों को डाल रहे हैं यार, कोई बात नहीं। और ये पीछे मेरे भाई और आ रहे हैं विवेक पमार, और भाई कैसे है? बढ़िया भाई हैं? बढ़िया भाई बढ़िया है। हाँ जी चलो, तो भाई ये भाई देख लो कति पीले पड़ गए ये खेत भी ना भाई, इनमें कितनी मेहनत कर ले यार क्या क्या करे। अब मैं आपको जाके दिखाऊंगा मैंने अपने खेत में क्या क्या डाल दिए है, वहाँ पे पन्नी वगैरह पड़ी है दवाइयों की ना, तो मैं सब दिखाऊंगा भाई सब आपको पूरा दिखाऊंगा कि कैसे मैंने क्या सीन क्या डाला है क्या नहीं डाला है, और खेत में भी पता लग जाएगी आपको सब कुछ, हमें चल के दिखा दूंगा आपको। देख लो भाई उस खेत में तो बिल्कुल पानी भरा पड़ा है, डूबे पड़े गेहूँ गल गए उसमें, तो भाई क्या ही करे यार, बहुत बुरी हालत हो गई अब की बार ना किसानों की भाई, बहुत ही बुरी हालत है, कुछ कर भी नहीं सकते भाई हम, बताओ क्या करें हम। तो भाई बस ऐसे है खाद डाल देंगे और जो दवाई गोली होती है वो डाल देंगे, उनमें मिला के स्प्रे फपरे करवा देंगे, यही काम तो कर सकते हैं, और बताओ क्या काम करें भाई हम, और तो कुछ नहीं है भाई। नो तो नहीं है कि टपके टपके पानी को निकाल दे, पर ज़्यादा पानी है तो भाई ट्रैक्टर को लगा के उससे खींच के कहीं और डाल सकते हैं जहाँ बंजर भूमि पड़ी हो। ये देख लो यार इन खेतों में कितना कितना पानी भरा है, आप ही लगा के चलो एक बार छोटी सी बात से, देख लो भाई बिल्कुल पानी से डूबे पड़े भाई अब की बार ना खेत, कुछ नहीं है भाई जो हमने लगाए है ना वो भी नहीं आएगा अब की बार तो, जैसे जो नाज खाद जो बुआई जुताई होती है उनका भी पूरा नहीं पड़ेगा अब की बार भाई। तो भाई वो आ गया अपना पवार फार्म दिख गया है आपको, और जी आ गए अपने खेत, भाई देख लो इसमें बहुत बुरी हालत है यार क्या करें, मेरा मन नहीं करता खेतों पे आने का ना बिल्कुल भी भाई, मैं रोने का मन कर रहा है यार खेतों को देख कर ना मेरा बुला मन हो जाता है बिल्कुल ना, और मैं अपने यार इसमें तो ज़्यादा पानी से लग रहा है रे कुछ है ना भाई ना। यार पता नहीं इसमें क्या है ज़्यादा पानी से लग रहा है, कल भी आया था मैं परसों भी आया था और जब तो नहीं था इतना पानी, कैसे भाई बताना पड़ेगा ये भाई विकास का खेत है विकास पवार।
भाई पता नहीं यार, इसमें तो कुछ ज्यादा ही पानी लग रहा है मुझे। चलो भाई ये अगला खेत आ गया भाई संजय पवार का। इसमें भी यार है पानी तो, पर मैं अपना वाला खेत दिखाऊंगा ना भाई, बहुत ही बुरी हालत है भाई मेरे वाले खेत की तो, बस देखना ही मत आप। क्या बताऊं भाई, ये आ गया फ्रे पमार का, फ्रे डॉन है जो अपने भाई। डॉन की तो बात ही अलग होती है यार, क्या बताएं उसकी बात भी। देख लो भाई उसका भी मतलब सही है यार, कुछ नहीं है। मतलब मेरा जो खेत है ना भाई वो घना पीला पड़ गया भाई, मैं आपको दिखाऊंगा। चलो चलते, वो आ गया अगला खेत मेरा ही है, ये देख लो भाई ये मेरा वाला खेत है। इसमें भाई मैंने मतलब सल्फर वगैरह होती है वो सब डाल दिए, और इसमें दो दो तीन कट्टे यूरिया के डाल दिए भाई। ये फिर भी कति गला पड़ा है देख लो। दो कट्टा गिर रही थी भाई, देख लो भाई ये यूरिया भाई जो हम खेतों में डालते हैं, देख लो। अब वो भाई फेंक रहे हैं इसको अपने खेतों में डाल रहे हैं, मैं तो डाल गया था, ये डाल रहे हैं भाई ये। और भाई ये बिल्कुल गल गया है मेरा वाला खेत ना। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें क्योंकि भाई न्यू चैनल है। और देख लो भाई।